क्या बलाल देव समझ में आया पक्का? सारे सारे चलो ओके। देखो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा पेज रिव्यू, ध्यान से लिखना बिल्कुल बंद करो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान दो ठीक है। अरे फिजिक्स तो है बाकी सब थोड़ी लगता है। चलो बात कर देता है, लेकिन मजा आता है।
पहले बहुत लगता था यार बहुत छुट्टी मिल जाए यार एकदम पूरा खेल जाएंगे, अच्छा मिली तो ऐसा बोरिंग लगने लग गया ना पूरा देखो मैं तुम लोग का बचाए तो मैंने देखी कि अच्छा देखे अल्टीमेट कॉमेडी क्या देखा देखे तो मैं चालू है उधर नहीं चालू है इधर चालू है हाँ Physics doubts.
क्योंकि देखो केमिस्ट्री अपने आप में
रिसर्च का टॉपिक है, हालांकि हमें उतना ही चीजें पढ़नी है जितना हमारे सिलेबस में। एक बार समझ में कोई डाउट आता है तो लिख देता हूं वेल द सॉलिड, स्टॉप राइटिंग लिखना नहीं, वेल द सॉलिड ऑब्लिक कॉमा लिक्विड कॉमा गैस, गैस की जगह। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, गैस और वेपर में क्या फर्क है? स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको गैस स्टेट में पढ़ना था मैंने, गैस और वेपर में क्या फर्क है? नोट्स पर लिख के देखिएगा, कल बताइएगा। एंड वेपर, एंड वेपर ऑल दे ऑल थ्री आर एट इक्विलिब्रियम, ऑल थ्री आर एट इक्विलिब्रियम, ऑल थ्री आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, विद ईच अदर, विद ईच अदर, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड, then that point is called triple point, and that point is called triple point. आई बात समझ में? Water के लिए, for water, ठीक है, ये होता 0.01 degree Celsius and 0.006 आई बात समझ में? ये टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर क्या होता है, उसमें आपको सॉलिड लिक्विड और गैस, मतलब सॉलिड मतलब आइस भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और उसका दर्पण भी मिलेगा। इस पॉइंट पे उस पॉइंट में क्या होता है, अभी डायग्राम में ग्राफिकली मैं समझाऊंगा, जैसे सभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, देखो चाहो तो मैं फ्रीज इक्विलिब्रियम 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको 45 मिनट भी लेके जा सकता हूं, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना सीखना चाहते हो। आई बात समझ में? दैट क्लियर? पक्का? अब देखो फेज इक्विलिब्रियम है जो हमें क्या, ये तो हमारे पास है फेज इक्विलिब्रियम, अब पढ़ना क्या है इसमें, आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर और प्रेशर, कि आखिर फेज इक्विलिब्रियम पे टेंपरेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप समझो बात को, क्योंकि दोनों दोनों देखो दोनों फेज इक्विलिब्रियम किस नेचर के, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, जल्दी बताओ। कितने लोगों का मानना है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक को बात कर करना, बस एक जो एंडोथर्मिक होगा, कितने लोगों का मानना है एक्सोथर्मिक को बात कर करना। अच्छा बेटा बात करो, अब उससे सोचो क्या पॉसिबल है ये, और डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या, आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो मतलब एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक कैसे हो जाएगा, एक्सो मतलब एग्जिट, हीट एग्जिट हो रहा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो हॉल के अंदर हम उस मूवी वगैरह देखने जाते थे, एग्जिट लिखा हो रहा था, मतलब हीट निकल रहा है, क्या ये दोनों में से हीट निकल रहा है, आपको तो हीट देना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, राइट, बिना हीट दिए तो इक्विलिब्रियम, क्या मैं यहां आइस रख, क्या पानी रख दूं तो क्या अपने आप वेपर बन जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। उससे एक जनरल बात हम सोचो, देखो चीजें डेली लाइफ से इंटरलिंक करोगे ना तो चीजें ज्यादा समझ पाओगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री कैसा टॉपिक है जिसमें आप डेली लाइफ में बहुत चीजें इंटरलिंक कर सकते हो। क्या पानी अगर मैंने यहाँ रखा अपने आप तो वेपर नहीं बनेगा, आपको हीट देना पड़ेगा उसको, आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, जब हीट दो दे रहे तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, समझना मतलब फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, पहले केस की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, क्या बनेगा ज्यादा, हां लिक्विड ना, अरे आइस से सोचो, कर दो आइस और पानी है, टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बन जाएगा ज्यादा, पानी बनेगा ना, वैसा ये तो 7 क्लास के बच्चे को मैं लेकर आऊंगा तो वो भी ये बात बता देगा कि आइस और पानी रखा हुआ है, टेंपरेचर बढ़ा दे तो आइस मेल्ट होगा, मानते हैं इस बात को, मतलब क्या प्रोसेस मेल्टिंग हैपन होगा, आया ना, मानते हैं सर बात को, तो टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगा, मेल्टिंग, ठीक है। और सेकंड प्रोसेस में बात करूं तो टेंपरेचर बढ़ाने से कहां कहां जाएगा, वेपराइजेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा गैस क्या बनेगा, वेपर बनेगा,
मानतेस बात को सिंपल सा ठंडा पानी अगर आप रखते हो सिंपल सा सोचो जब ठंडा पानी आप ग्लास में लेते हो गर्मियों के टाइम की बात करो देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं ग्लास के कैसे वाटर ड्रॉपलेट कैसे बाहर आते हैं पानी से बाहर आते हैं क्या वो पानी ग्लास के बाहर आ जाता है तुम चीजें समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ जब आपने गर्मियों में जब आप गिलास में पानी डालते हो तो पहले तो वेपर बनता है देखा कभी गौर से कभी व्हाइट कलर का वेपर बनेगा और उसके बाद धीरे 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 पानी क्या होता है सरफेस पे ग्लास के सरफेस में क्या होता है कहने लगता है कैसे क्या पानी ग्लास का बाहर आ गया अरे यहाँ पे भी वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है बट वो इतना हाई टेंपरेचर पे मेंटेन है कि वो भी लिक्विड नहीं बन सकता है जैसे वो वेपर ठंडे पानी से ठंडे ग्लास से टकराएगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोसेस क्या हो रहा है टेंपरेचर बढ़ाने से क्या चीज बढ़ रही है वेपराइजेशन वही चीज आप गर्म पानी ग्लास में डालो मना रहा कि ड्रॉपलेट बाहर आ जाएंगे क्या पॉसिबल है नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस केस में ये क्या हो रहा है वेपराइजेशन हो रहा है लेकिन टेंपरेचर आप घटाते हो तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में वही तो प्रोसेस हो क्योंकि जब आपने ठंडा पानी ग्लास में डाला तो उस ग्लास का टेम्परेचर क्या हुआ घटा ना जैसे टेम्परेचर घटा तो जो भी सराउंडिंग में वेपर होगा उससे टकराएगा और जैसे टकराएगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा मतलब वो वेपर किस में कन्वर्ट होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा मानते इस बात को कोई डाउट किसी को सबको समझ में आ चुका है पक्की बात कोई डाउट तो या तो मेल्टिंग होगा या तो वेपराइजेशन होगा इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है चल अगर टेम्परेचर घटाया तो क्या होगा पहले केस में क्या होगा टेम्परेचर घटाने पर सॉलिड नहीं फ्रीजिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे ये सब तो आता है ना भाई फ्रीजिंग मेल्टिंग बॉइलिंग ये सब भी नहीं आता है ना क्या होगा बॉइलिंग मतलब बॉइल होना फ्रीजिंग मतलब फ्रीज होना मेल्टिंग मतलब टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा फ्रीजिंग तो इसमें ऐसा मत बोला कि सॉलिड बनेगा ये प्रोसेस है यहाँ से यहाँ दिल्ली के लोग पता चला भूल गए सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग यहाँ से यहाँ वेपराइजेशन यहाँ से यहाँ कंडेंसेशन यही ऑपरेशन के उसको बोलते हैं वेपराइजेशन को ये बात समझ में कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को भाई तुम ना दूर बैठते जगह यहाँ पे भी है वहां बैठने में शर्म आती है नहीं वहां ज्यादा कंफर्ट क्यों ना क्या बैक बेंचर्स नहीं इतने टैलेंटेड भी नहीं है तो बैक बेंचर्स टैलेंटेड होते हैं मेरे जैसे हाँ मैं कभी नहीं बैठा था हमेशा सेकंड लास्ट बेंच मेरा फिक्स रहता था पूरे स्कूल मैंने फ्रॉम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 पूरे सेकंड लास्ट बेंच में मैंने जिंदगी निकाली और फर्स्ट बेंच में कभी नहीं है चलो ठीक है टेम्परेचर डाउन करने पर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा समझ में आपको आया ना इवन तो कॉलेज में भी क्लास बेंच नहीं था मेरे कॉलेज मेरा सेकंड क्लास बेंच फिक्स फेवरेट था ठीक है चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर समझ में आया बेसिकली बिहेवियर पे इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर कैसे देखते हैं हां सबको समझ में आया ठीक है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो ये थोड़ा फॉर्मूला आता है थर्मोडायनेमिक्स में बट मैं यहां पे लिख रहा हूं फिलहाल के लिए याद रखना ठीक है चाहो तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा सकता हूं ठीक है लेकिन हर चीज थ्योरेटिकली जानने से अच्छा उसका पीछे का रीजन समझो क्या क्यों होता है ऐसा ठीक है तो एक्चुअली फॉर्मूला आता है डीपी बाय डीटी अच्छा डिफरेंशिएशन तो तुमको आता हो इतना मैं मान के चल रहा हूं सब बेसिक मैथमेटिक्स में अपने फिजिक्स में
डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेशन पढ़ा तो dp / dt किसी चीज का होता है किसी कर्व का dp / dt अगर मान लो p और t के बीच में एक कर्व बना है उसका dp / dt आपको क्या देता है स्लोप रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप कोऑर्डिनेट चलो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा बोलो जैसे लग रहा पहली बार नाम सुना है कोऑर्डिनेट चालू हुआ ना तुम्हारा किसी कर्व का y और x के बीच में अगर मैं कर्व खींच रहा हूं उसका स्लोप क्या होता है dy / dx ही तो होता है tan θ उसी को तो बोलते हैं मैं तुमसे अगर मैथ्स में रुक गया किस अरे अलजेब्रा कैसा तुम्हारा मेरा फेवरेट होता है मेरे को सबसे ज्यादा वर्स्ट लगता था कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत मैं पढ़ी बट कैलकुलस और अलजेब्रा मेरा फेवरेट था ट्रिग्नोमेट्री भी मेरा बहुत अच्छा था मैकेनिक्स मेरा बहुत अच्छा था रोटेशन मोशन वगैरह अच्छा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट जिसको मैकेनिकल बनना है मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिक्स अच्छा रहता है ठीक है डीपी बाय डीटी की बात करते हैं डीपी बाय डीटी जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है डेल्टा एच बाय टी डेल्टा वी क्या होता है डेल्टा एच बाय टी डेल्टा वी समझ में बात कर रहे हैं ठीक है अब एक एक के अब क्योंकि मेरे पास दो ही केस है एक सॉलिड लिक्विड का और एक लिक्विड गैस का आई बस हम लोग दो ही चीज पढ़ रहे हैं पर दो चीज पढ़ लो बाकी आप मतलब गैस और सॉलिड का भी रहेगा तो भी आप इसके अकॉर्डिंग अगर दो ये समझ में आ जाए तीसरा आप अपने आप ही कर सकते हो ठीक है आप समझ पा रहे हो पहला केस अगर मैं बोल रहा हूं फॉर सॉलिड इक्विलिब्रियम बस आप मुझे साइन बताओ डेल्टा एच का साइन क्या होता है डेल्टा एच फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव सॉलिड की डेंसिटी कम है लिक्विड से मतलब देखो
तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? अरे जब डेंसिटी ज्यादा कम होगी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है आइस का ज्यादा है, ये तो जानते हो ना भाई, सच सच बताओ, ये भी नहीं पता तुमको, हाँ पता है ना, पता है तेरे को, तेरी बात कर सेकंड में पढ़ा, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? कैसे ट्रू बता दो थोड़ा, एक्सप्लेन प्लीज। अच्छा बर्फ को तो पानी में डालता हूँ तो डूब जाता हूँ फिर बर्फ नहीं डरता है ना, पागल मुंह में दही जमा कर रखते हैं। अब रो मत, रोने मत कर देना भाई, मतलब मजाक में पूछ रहा हूँ, आइस तैरता है ना, हिंदी समझ में आती है ना, आइस आइस तैरता मतलब कोई भी चीज किसी लिक्विड में तैर रहा है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, बराबर ना बढ़िया। ऐसे बताने के लिए थोड़ा डर कायम रहना चाहिए, ज्यादा मजाक भी नहीं चाहिए। अरे हो रहा पागल, तो अरे मजाक कर रहा था मजाक करना पाप हो गया, ठीक है ठीक है, नींद आ रही थी, अरे इतने मन से पढ़ा रहा हूँ तेरे को नींद आ रही है, नो वैल्यू, तो समझ में आ रहा है लेकिन नींद आ रही है, कौन सा टॉपिक है भाई सर? अपने तो सब या तो समझ में आता तो नींद नहीं आती, और नहीं आता तो नींद आती है, बात की जितनी चक्कर सर मैं, तो बेसिकली क्या है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है, तो वॉल्यूम ऑफ आइस ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, इसका मतलब किस केस की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस केस में डेल्टा एच फंक्शन क्या है मेरा, पॉजिटिव है। अब ये बताओ डेल्टा बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अबे करो क्या, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है और लिक्विड का वॉल्यूम कम है, तो लिक्विड माइनस सॉलिड करना, सॉलिड माइनस लिक्विड नहीं करना, क्या होगा नेगेटिव होगा ना, डेल्टा वी यहां पे क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब dp by dt exactly क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इस बात को मानते हो dp by dt नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये तो 100% के बाद श्योर है कि ये इनवर्स होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे इनवर्स, नहीं बात समझ में, मतलब प्रेशर बढ़ाने से टेंपरेचर घटेगा, इसका मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर मतलब कौन सा टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, अगर टेम्परेचर घटेगा मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घट गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट घट गया सोचो, सोचो सोचो क्या होगा, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट घट गया, मेल्टिंग होगा या फ्रीजिंग होगा, अब तुमको एक लास्ट एग्जांपल सुनाता हूं, एक्चुअली मेल्टिंग होगा, ठीक है मेल्टिंग विल, कंफ्यूजन हो गया सबको, कंफ्यूजन हुआ, मूवी वगैरह सब देखते हो तुम, मैं आधी चीजें मूवीज मूवीज से सीखा हूं, केमिस्ट्री से सीखा हूं, मूवी सब देखते हो कभी देखा है हीरो आइस में वो करता है, अबे ठीक है मेरे स्किंग स्किंग देखा ना, वो बड़ा सा वो रहता है पैर में, क्या करता है वो ऐसे प्रेस करते हैं और फिर वो ऐसे करता है, राइट, तो देखना चाहिए थी वो होता क्यों है एक्चुअली में, उसके पीछे सबसे बड़ा ये कौन सा सुपर इसे ज
जब आपने प्रेशर डाला आइस पे, प्रेशर क्या किया डाला, तो जिस जगह पे डाला तो उस जगह का पर्टिकुलरली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। मान लो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, घटा। सपोज करो आपका एटमॉस्फेयर का टेंपरेचर -2 है, कितना है, अभी तो बर्फ है, अभी तो उस जगह पे क्या है, बर्फ है। आपने सपोज करो यहां पे स्टीम करो, यहां पे आपने क्या किया, प्रेशर डाला स्क्वायर से, इतने जगह का पॉइंट का क्या होगा, इतने जगह का पॉइंट मेल्ट हो जाएगा, इतना स्पेस का मेल्ट हो जाएगा। और मान लो सपोज करो आपने प्रेशर डाला जिस जगह पे, उस जगह पे सपोज करो -4 डिग्री टेंपरेचर हो गया, तो अब उस उतने वाले आइस को फ्रीज होने के लिए कितना टेंपरेचर चाहिए, -4 है, कितना -2, तो क्या होगा, लिक्विड रहेगा कि आइस बनेगा, नहीं समझ में आया। जैसे सपोज करो कि मान लो आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते मेल्टिंग पॉइंट घट गया, सराउंडिंग का टेंपरेचर अगर -2 है और -4 मेल्टिंग पॉइंट चाहिए मुझे, मुझे फ्रीज करने के लिए कितना टेंपरेचर चाहिए, -4, तो क्या अभी भी वो आइस के फॉर्म में रहेगा या लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा ना भाई, चाहिए आपको कितना -4, वो कितना गया, समझ में आया, स्कीम पॉसिबल होता है ना, इसी फॉर्मूले की वजह से पॉसिबल होता है, क्यों, प्रेशर बढ़ाते ही सिर्फ ये इस केस में होता है, वाटर वाले केस में, क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा कम होती है, भाई मसलन दैट्स व्हाई डेल्टा वी नेगेटिव होता है, डेल्टा वी होने की वजह से डीवी बाय डीटी नेगेटिव होता है, यहां पे प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और मेल्टिंग मेल्ट उस जगह, इसलिए तो क्या होता है जब वो ऐसे दबाता है जो प्रेशर वो डालता है ना बेटा, तो वो आइस अपना पार्ट लिक्विड हो जाता है, आइस मतलब मेल्ट हो जाता है और वो प्लेन हो जाता है। जनरली आप अगर आपने स्नो देखा हो तो स्नो प्लेन नहीं होता, थोड़ा खरदरा होता है बेटा, तो जब आप उसको उस तरह से प्रेस करिएगा, अगर कभी पॉसिबल हुआ लाइक जिंदगी में कभी तुम्हारा कहीं जाना हुआ कहीं ऐसे जगह पे जहाँ स्नो वगैरह देखने मिल जाए, तुम देखना वहाँ पे आसानी से चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं प्रेस करते चलते हैं, प्रेस करने से क्या होता है उतने पार्ट का आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, नहीं बात समझ में, मेल्ट होने की वजह से वो स्लिप होता है, नहीं बात समझ में, दिस इज द एक्सेप्ट प्रोसेस, समझ में, अच्छा समझ में, कोई डाउट इसे तो पक्का, आज जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो याद रखना स्कीम वाला एग्जांपल, ठीक है। और यदि अगर मैंने प्रेशर घटा दिया तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा, किसी चीज केस में होता है, आज समझ में कोई डाउट यहां तक, सबको समझ में अच्छे से, ठीक है, अभी जल्दी मतलब सॉरी अजय तो जरूरत की भी नहीं ना,
अवस्थी बन रहा है हम लोग इसका मतलब थोड़ा बहुत तो बन जाता होगा 40-50% तो लाइक अच्छा एक बात और ये कभी चीज पॉसिबल हो सकती है ना जब वॉल्यूम हो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए उसका वॉल्यूम ठीक है और यदि मैं बात करूं जैसे वो तो स्पेशल कंडीशन था लेकिन फॉर दोस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो ज्यादा हो वॉल्यूम हो सॉलिड से dp by dt again dp by dt क्या हो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाय बोलो टी मेल्टिंग पॉइंट माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो डेल्टा पी भी यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव डेल्टा एच भी क्या आएगा ओवरऑल dp by dt क्या आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा तो एक्स ऑफ वाटर एक्सेप्ट H2O को छोड़ के मतलब वाटर और आइस को छोड़ के बाकी हर सिस्टम में प्रेशर बढ़ाने पे टेंपरेचर क्या होगा बढ़ेगा मतलब रेजिंग विल हैपन आई बात समझ में रेजिंग विल आई बात समझ में और प्रेशर घटाने से टेंपरेचर क्या होगा रेजिंग विल आई समझ सबको चलो जैसे आप इसको नोट बना के दूसरा पॉइंट ऐसे भी समझ सकते हो कि इन
pressure will move the process will move the process in the direction where molar volume is less. प्रेशर बढ़ाने पे उस डायरेक्शन पे जाएगा जहां पे मोलर वॉल्यूम मतलब लिक्विड का वॉल्यूम कम है. मोलर वॉल्यूम समझता हूं लिक्विड से रिलेटेड है. आया समझ में? प्रेशर बढ़ाने पे यहां क्या होता है? रेजिन को सॉलिड के पास आ मोलर वॉल्यूम का मतलब सॉलिड का मतलब समझ में? ये स्टेट ये देखो एक्चुअली बुक में यही स्टेटमेंट दिया हुआ है. इसका एक्साइटेशन कितना बड़ा क्योंकि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा,
कांस्टेंट टेंपरेचर क्या होता है, स्टेट लाइन होता है, होता ही नहीं होता, स्टेट लाइन होता है, प्रेशर आपने पढ़ा दिया, तो देखो ये काम मैंने छोड़ा, यहाँ पे क्या होता था मेरा, बैटिंग, ये रीजन सॉलिड का था, ये रीजन लिक्विड, तो यहाँ पे क्या होता, देखो लिक्विड के पास जा रहा है ये, इसने बोला था प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या होता है, भैया पहले इस पॉइंट पे था प्रेशर इतना, टेंपरेचर मेंटेन रखा मैंने, प्रेशर बढ़ा दिया, फिर कहाँ चला गया, लिक्विड के पास चला गया ना, प्रैक्टिकली भी समझ लो, यहाँ पे जैसे तो पहले जिस जगह पे था, पहले क्या था, जिस जगह पे था, अब कहाँ चला गया ये, जिस जगह पे, इसमें चला गया, कैसे कन्वर्ट हो गया ये, ये तो ना, ये समझ में आ रहा है क्या, आपको समझ में अच्छे से, तो ये ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा दिया, मैथमेटिकली भी आपको समझा दिया, और लॉजिकली भी मैंने आपको समझा, आपको जिस तरीके से समझना है, उस तरीके से समझा जाए, जो सबको समझ में अच्छे से आया ना, पक्की बात, अगर मैं बात करूँ लिक्विड और वेपर की, लिक्विड और वेपर की, तो dP by dt क्या होगा, मैंने इस केस में बताऊँ, dP by dt, delta H of vaporization by P boiling point minus V of vapor, V of vapor minus V of liquid, V of vapor minus V of liquid. भाई बात समझ में? आप समझ में बात करो, क्योंकि मुझे पता है volume of vapor ज़्यादा होता है volume of liquid से, क्योंकि gas का volume हमसे क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तो dP by dt क्या होगा मेरा? इस केस में पॉजिटिव वाल के साइड कोई भी आप लो, चाहे वाटर वाला सिस्टम लो या कोई भी लो, गैस का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहता है लिक्विड से, तो डेल्टा पी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, इसका मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, मतलब प्रेशर बढ़ाने से टेंपरेचर बढ़ता है, मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से टेंपरेचर बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा, कंडेंसेशन, क्या होगा, कंडेंसेशन, प्रेशर घटाने से क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, मतलब इवोपरेशन, ये बस और इसके भी टेम्परेचर बढ़ी मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी है ना, तभी तो क्या होता है, आप समझे, ऐसे जो पहाड़ पे रहते हैं ना, पहाड़ पे एकदम हाई एल्टीट्यूड पे वहां प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या खाना पका पाओगे क्या वहां पे, तो कैसे इसको ये नहीं समझ में आ रहा, जनरली इस एटमॉस्फेयर पे कितना बॉइलिंग पॉइंट चाहिए मुझे, वाटर बॉइल करने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल है, अभी आपने क्या किया, प्रेशर घटा दिया, प्रेशर घटा के मतलब किस केस में चला जाएगा, गैस के केस में चला जाएगा, पूरा ही हमारा बात है, पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो मान लो जो पहले आप यहाँ पे 100 डिग्री पे चीजों को बॉईल करते थे वो 80 भी हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, तो जो आप आलू बॉईल करते थे मान लो तो 100 पे बॉईल होता था आलू, अब आलू कितने में बॉईल होगा, 80 पे, तो क्या आलू पका हुआ रहेगा कि कच्चा हुआ रहेगा, कच्चा रहेगा ना, आलू कैसे बॉईल हो जाएगा, आलू तो बॉईल हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि मिनिमम चाहिए 100, प्रेशर ऊपर प्रेशर करते ही बॉइलिंग पॉइंट घट गया, पहले ही बॉईल हो जाएगा, कुकर की सीटी मतलब जो यहाँ पे मान लो 10 मिनट में सीटी बजती है वहां 5 मिनट में सीटी बज जाए, फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, घट गया, तो देखो एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज होने से कितने चीजें चेंज हो जाती है, आई बस समझ में आया, सब समझ में आया सर, यहां से आपका चैप्टर समाप्त, तो देखना चाहिए ना क्या हो गया था एंड गेम्स राइट।
समझ में नहीं आ रहा क्या? पक्का यार सबको ऐसा समझ में ठीक है क्या? अटेंड सारे कर लिए तुमने? Thank you.
असर हमारा तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। हां लिक्विड का नहीं है, मैं टाइमिंग करता हूं बहुत अच्छा। हां मार्केटिंग होता है ऐसा, ऐसा कर दोगे तो पूरा स्प्रेड हो जाता है स्कैन के अंदर, क्योंकि वो वोलेटाइल सॉलिड है। मात्रा से जो वोलेटाइल मेटल है बट वो लिक्विड है, बहुत लो टेम्परेचर में मेंटेन कर रहा है, ऐसा मॉडल तो पूरा सॉलिड हो जाएगा। उसके रीजन सबसे बड़ा क्योंकि फ्रीजिंग ऐसा प्रोसेस है जो 3D होता है, पहले साइड से जमता है, फिर ऊपर से जमता है और फिर बाद में बीच में जमता है। देखा ऊपर से कभी कभी आपको क्या क्या मिलेगा कि सिर्फ ऊपर का लेयर जमता बट साइड से बाकी रहता है, या तो सिर्फ साइड से जमेगा तो ऊपर का पानी रहता है। देखा आप इसे साइड से भरा जाओ पर ऊपर का लेयर भरा नहीं जमा, बिकॉज फ्रीजिंग इज अ 3D प्रोसेस नॉट 2D प्रोसेस। ये बात समझ में आई जो ये लगाना उससे बर्फीली क्या होगी लागू पानी से, पानी से मैंने भी देखा है कैसे हम करते हैं। हाँ कुछ ऐसा अक्षर डाला हो बट प्योर वाटर ऐसे नहीं फ्रीज होता यार, मतलब वो आप पता कैसे कर दें, आपने ऐसे मार के एक तरीके से क्या दे उसको काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दी तो वो फ्रीज हो गया। और वो पानी में क्या होता है बर्फ, थोड़ा सा बर्फ किया ना बर्फ, हाँ वो पानी डाला ठंडा पानी, तो स्ट्रक्चर बना दिया बर्फ का। ओ भाई इतनी क्रिएटिविटी नहीं आती केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं काम कर, मैं एक्चुअली समझ नहीं पाता। मतलब एक्चुअली देखा एक फॉर्मूला होता है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और
जैसे मल्टीप्लाई कर दो 1000
At 27 degrees Celsius, 1 atmospheric pressure at 2.4 is 20% dissociation into NO2. What is the density of equilibrium mixture of NO4 and NO2? 2. How hard is it? उसने क्या पूछा? डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इधर देख पाइए, अल्फा दिया था उसने, हाँ या ना? अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा 0.2 है, 67 की बात कर रहा हूँ, 67 ने पूछा ना? तेरा 68 है, तेरा 67, हाँ, अल्फा 0.2 है, बराबर। अब समझो बात को, आपको एक फॉर्मूला दिया था मैंने, एम ऑब्जर्व बराबर क्या होता है, एम वाला में ये एम वाले का फॉर्मूला दिया था मैंने, क्या होता है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या था, 1 plus n minus 1 into alpha. Molar mass created कितना हो जाएगा? n to 1 molar mass कितना हो जाएगा?
है ना, 216 और 12 28, 28 का रिजल्ट निकलता कितना होता, 28 का रिजल्ट 99। अब बोल ना समझा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। ये फॉर्मूला कभी मैंने किसी जमाने में सिंस आई थिंक 1857 में पढ़ा नहीं है, हालांकि कहीं के 2 महीने पहले का टॉपिक है सिंस पे। Thank you.
Thank you.